फंड्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, कुछ फंड्स बताइए कैसे होते हैं, किस तरह पे म्यूचुअल फंड में भी आप डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जहां पर आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। देखिए दीप, सिंपल सी चीज है, पहले इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इक्विटी फंड्स में कई बार लोग ये सोचते कि भाई मैं पैसा कितने समय के लिए लगाऊं, कहां लगाऊं, क्या करूं, तो दो चीज आपको देखनी है, एक रिस्क, दूसरा रिटर्न, और दूसरा तीसरा टाइम। राइट, टाइम पे पहले अगर आप 7 से 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो स्मॉल कैप फंड्स में लगाइए। अच्छा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्गर पीरियड में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। ओके, रिस्क भी सबसे ज्यादा यही है। राइट, कैसी कि जब मार्केट घटते हैं तो ये जोर से घटते हैं, ट्रू, और जब बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा यही बढ़ते हैं। तो ये घटने और बढ़ने की जो रिस्क है उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि जितना लंबा समय के लिए आप पैसा लगाएंगे उतनी रिस्क लॉन्ग टर्म में अपने आप कम हो जाएगी। ट्रू, शॉर्ट टर्म में होने दो ना, ऊपर नीचे जितना होता है होते दो। अगर आपको ज्यादा कमाना है जी तो आप स्मॉल कैप में लगाइए, ज्यादा रिस्क वाले, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए लगाएंगे तो आपका सबसे ज्यादा पैसा यहां बनेगा। तो जेंजी अगर आप हैं और 10 साल प्लस का व्यू रहते हैं तो स्मॉल कैप फंड जरूर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब आइए, थोड़ी रिस्क कम रखनी है आपको और थोड़ा अगर आपका इन्वेस्टमेंट का समय भी कम है तो 5 से 7 साल के लिए आपको अगर निवेश करना है काम करेंगे मिड कैप शेयरों में। ओके, वो ज्यादा ठीक है कि भाई आपने समय भी मॉडरेट है और रिस्क भी मुझे थोड़ी कम रखनी है, थोड़े अच्छे शेयर चाहिए। देखिए लार्ज कैप है ना, पहले दिन से नहीं बनता कोई, सही बात है। स्मॉल कैप मिड कैप से शुरू होता, स्मॉल कैप से शुरू होगा, मिड कैप पे पहुंचेगा, मिड कैप से ग्रेजुएट होकर लार्ज कैप तक जाएगा, तो प्रोसेस तो वही है, टाइम लगता है। तो आपको अगर अभी आप भी कोई पहले सीधे कॉलेज में थोड़ी आए, स्कूल पढ़ी ना, और स्कूल पढ़ी तो सीधा कोई प्रोफेशनल डिग्री के लिए थोड़ी चले गए, कॉलेज किया ना। तो यही प्रोसेस स्मॉल मिड और लार्ज कैप का, अगर आपको लार्ज कैप में लगाना है तो 3 से 5 साल का व्यू होना चाहिए। रिस्क कम है, नहीं नहीं है, ऐसा नहीं कि जीरो है, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, क्योंकि आपको समय भी कम देना है। राइट, सो पूरी तरह से ये जो रिस्क है और रिटर्न की जो साथ में कॉम्बिनेशन है वो टाइम के साथ कोरिलेट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ गए सर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहता हूँ, कुछ और तरह के भी फंड होते हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, या मल्टी कैप फंड है, जिसमें सभी तरह के आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन है। लेकिन सब में किसी में भी इक्विटी में लगाए 3 साल का तो मिनिमम व्यू रखिए, और ये मान के चलिए जैसे आप कोई फ्लैट बुक कराने जाते हैं ना, जी, आपको बिल्डर क्या बोलता है, 3 साल में पोजीशन दे दूंगा, आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होके जाते हैं ये 4 साल में देगा। हाँ, एक आप अपना आईडी है ना, आप 1-8 साल 6 महीने 12 महीने अपने दे भी नाम की ओसी ले आएगा, लेकिन बाकी तो अपने को पता है, वहां पे चलता है आपको। इक्विटी में अगर आपने 3 साल बोला तो 3 साल छोड़ो, 3 दिन बाद भाव देखना शुरू कर देते हैं। सही बात है ना, तो इक्विटी में भी 3 साल का मिनिमम व्यू मान के चले जाओ, और मान ले कि 1-8 साल तो डिले हो गई, ट्रू, तो 3 साल का 5 साल का व्यू लेकर चलेंगे तो ये सारे फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टी एसेट फंड्स जो अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाते हैं, गोल्ड, फिक्स इनकम, इक्विटी, या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स जो है, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, जिसमें क्या है मिलेनियल्स को और जेंजी को सारा एक्सपोजर मिल जाएगा एक साथ। गॉट इट सर।